गुमला के भरनो ब्लॉक के बंटोली गांव में हाथी का एक बच्चा कुएं में गिर गया। जब लोगों को इसकी सूचना मिली तो तत्काल इसकी जानकारी वन विभाग को दी गई। कड़ी मशक्कत के बाद हाथी के बच्चे को कुएं से बाहर निकाला गया। ग्रामीणों के मुताबिक बच्चा झुंड से बिछड़ने के कारण कुएं में गिर गया। इस खबर की जानकारी जैसे ही गांव वालों को मिली, कुएं में हाथी को देखने के लिए गांव वालों की भीड़ जमा हो गई। इन्होंने वन विभाग को भी इसकी सूचना दी और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी मशक्कत के बाद इस हाथी के बच्चे को कुएं से निकाला गया होगा। हाथी कल रात्रि को 7:30 बजे के करीब में यहाँ पर कुआं में गिर के फंस गया था। आज सवेरे उसको बहुत अच्छी तरह से जेसीबी की मदद से और गांव वालों के सहयोग से निकाल लिया गया है। अभी ठीक कितने बज रहे हैं? 10:15 बजे और हाथी अपने जंगल की तरफ में चला गया है, अमलिया के जंगल की तरफ में। हाथी को किसी तरह का कोई भी क्षति नहीं। हाथी कल रात आइए गणेश महाराज जी। ये तस्वीर, ये हाथी का बच्चा झुंड से बिछड़ कर इसी कुएं में गिर गया था और काफी मशक्कत के बाद हाथी के उस बच्चे को कुएं से निकाला गया। काफी मेहनत हुई, वन विभाग की टीम को भी खबर दी गई और ग्रामीणों ने भी काफी मदद की हाथी के बच्चे को बाहर निकालने के लिए और फिर वापस इसे जंगल में छोड़ा गया। अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये बच्चा अपने झुंड में था, हाथियों के झुंड में, और ये बिछड़ गया, भटकते हुए कुएं में गिर गया, जिसके बाद काफी मशक्कत से हाथी के बच्चे को बाहर निकाला गया। आइए गणेश महाराज जी।